नमस्कार, एजुकेशन इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण की। आपको बता दें, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून को लगने वाला है। 5 जून को 11:00 पर लगेगा। कौन कौन से राज्यों में दिखने वाला, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिए। हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण की, लेकिन हाँ, वीडियो में कोई भी अंधविश्वास की बात आपको देखने को नहीं मिलेगी, यकीन मानिए मेरा। साथ ही साथ आपको बता दें, सारी की सारी वैज्ञानिक तौर पर बातें की जाएगी, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अगर आपको भी जानना है चंद्र ग्रहण के पीछे का राज, और साथ ही जानना है कि कब होने वाला है चंद्र ग्रहण, तो ध्यान से वीडियो को पूरा जरूर ही देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप आगे भी ऐसी ही खबरें पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस चंद्र ग्रहण के बारे में संपूर्ण बातें विस्तार से। बात करी जाए अगर चंद्र ग्रहण की, तो आपको बता दें, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है। इससे पहले 10 जनवरी को एक चंद्र ग्रहण लगा था, और अब ये 5 महीनों के बाद ये चंद्र ग्रहण आ रहा है, और ये 5 जून को लगने जा रहा है। अब ये चंद्र ग्रहण से एक काफी बड़ा प्रभाव हो सकता है धरती पर, इसलिए क्योंकि ज्वार भाटा, आपने नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो आपको बता दे, जैसे धरती चंद्रमा के पास से जाती, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल धरती को अपनी ओर खींचता है। हालांकि इसका असर ठोस जमीन पर नहीं पड़ता है, यानी कि जहां हम रहते हैं, जिस भूतल पर हम रहते हैं, वहां पर कुछ नहीं होता है, बल्कि समुद्र पर इसका प्रभाव पड़ता है, और एक लंबी लंबी लहरें उठती है जब ये चंद्रमा के पास जाता है या फिर चंद्र ग्रहण होता है। तो साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है, और लगातार चंद्र ग्रहण होना ये सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये धरती बहुत नजदीक जाती है, और इससे भूकंप आने की भी संभावनाएं बनती है, क्योंकि जैसे लंबी लंबी लहरें उठेगी तो सरल सी बात है, भूकंप तो आएगा ही। तो दूसरा चंद्र ग्रहण है, और अब भूकंप आने की संभावनाएं बनती है। अगर एक साल के अंदर 2 से ज्यादा चंद्र ग्रहण हो, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर भूकंप आ सकता है। ये थी पहली वैज्ञानिक बात। अब बात करते हैं दूसरी वैज्ञानिक बात की। अब आपने सुना होगा कि चंद्र ग्रहण को सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, स्नान नहीं करनी चाहिए या स्नान बाद में करनी चाहिए, और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, खुले आंगन में नहीं आना चाहिए, छत पर नहीं जाना चाहिए। इन सब के पीछे का वैज्ञानिक कारण भी हम जानते हैं। तो जहां तक बात रहती है चंद्र ग्रहण को सीधी आंखों से देखना, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण तो नहीं है, लेकिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं तो शायद आप नहीं देखें, क्योंकि इससे आपको कई हानियां हो सकती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है। वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन वास्तव में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे खाने के अंदर हमें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जो चंद्र ग्रहण से पहले बना के रखिए, क्योंकि इस वक्त कई सारी रेडिएशंस आती है जो हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होती है, इसीलिए हमें उस वक्त खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा भी। इसके साथ ही स्नान भी करनी चाहिए, क्योंकि कई सारे यूवी रेडिएशंस और कई सारी रेडिएशंस आती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की जो त्वचा होती है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें बाद में स्नान करनी चाहिए। और ऐसी कई सारी बातें, जैसे गर्भवती महिलाओं को भी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यूवी रेडिएशंस और कई सारी रेडिएशंस उस बच्चे को जो उसके अंदर पल रहा है उसे प्रभावित कर सकती है। तो ये सारे चीज़ों के पीछे वैज्ञानिक कारण भी कहीं ना कहीं छिपा है, ज्योतिष शास्त्र भी कुछ कहते हैं, जिसे भी आप मानो, लेकिन चंद्र ग्रहण के समय हमें थोड़ा सा सुरक्षा, और हमें काफ़ी सुरक्षा बरतने की आवश्यकता होती है, इसलिए घरों में रहे, क्योंकि अभी वैसे भी घरों में ही रहना है, तो बाहर तो आपको निकलना ही नहीं है। और ये सारी बातें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानी जाती है, आपको बता दें अब चंद्र ग्रहण का समय। तो अगर समय की बात करी जाए, तो चंद्र ग्रहण रात 11:15 से शुरू होगा और 2:34 तक चलता रहेगा। तो इस प्रकार से थी संपूर्ण बातें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।